उत्तरी कैलिफोर्निया में थी, इससे फैल रही आग आसपास के इलाके को कराया गया खाली। भयानक आग की तस्वीरें आई सामने। कैलिफोर्निया में लगी आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। 5 एकड़ के जंगल में फैली भीषण आग, भयानक तस्वीरें आई सामने। ईरान समर्थित हौतीस ने अरब सागर में एक जहाज को बनाया निशाना, किया ड्रोन हमला। हमले की घातक तस्वीरें आई सामने। इजरायली सेना ने मगाजी शरणार्थी शिविर पर किया हमला, हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई सैनिक घायल भी हुए। भीषण जंग के बीच आईजीएफ का बड़ा दावा, 1500 हिजबुल्ला कार्यकर्ताओं के मारे जाने की कही बात, साथ ही बोले अन्य कर रहे आत्मसमर्पण। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के सैन्य शिविर में देखा गया, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिक होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र ने हैती पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए मतदान किया, हैती पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाने के लिए हुआ मतदान। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास नेता यासिनवार की हत्या पर खुशी जाहिर की है, कहा गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की संभावना बढ़ गई है। हमास नेता यहया सिनवार की हत्या पर कमला हैरिस का बयान आया सामने, कहा जंग खत्म होने का यह सही मौका है। रूस और यूक्रेन ने समझौते के दौरान 95 युद्ध बंदियों की अदला बदली की है, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। प्रदर्शनकारियों ने बगदाद में टीवी चैनल मुख्यालय पर किया हमला, हमास नेताओं को आतंकवादी बताने पर भड़के थे प्रदर्शनकारी। तुर्की ने हमास नेताओं से की बातचीत, सिनवार की मौत पर जताया शोक, इजरायली हमले में मारा गया था सिनवार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी नेताओं के साथ किया संवाद, ब्रिटिश पीएम ने सीज फायर की कही बात। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अजरबैजान, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की के नेताओं से की मुलाकात, जेलेंस्की की विजय योजना की बात को खारिज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के साथ बैठक की तैयारी में जुटे, यूरोपीय नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी की बात। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने पर बातचीत को तैयार है। क्यूबा में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। असम में अचानक ट्रेन के सामने आया हाथियों का झुंड, लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर अपने परिवार के साथ दुखी बाघिन शावकों के साथ खेलती आई नजर, देखने के लिए जमा हो गई भीड़। यूपी के गाजियाबाद में सोसाइटी के गार्ड ने रेजिडेंट के ऊपर किया लाठी डंडों से हमला, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर हुई मीटिंग, करीब 4 घंटे तक चली बैठक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, उपचुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन, करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, 23 नवंबर को होगा उपचुनाव। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। बिहार के भागलपुर में गर्जे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा भारत का लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा, 47 सरकारी इमारतों पर किया दावा, कहा वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का लगाया। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा है, दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन, 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त। पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया था, डमी फर्मों से फंड हवाला के जरिए और दूसरे तरीकों से भेजा गया था। यूपी के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस, बहराइच संघर्ष पट्टा घटना के 26 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चस्पा किया गया नोटिस। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर लगाया नोटिस। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के मदरसे में संस्कृत पढ़ाने पर बरेली के मुस्लिम जमान के अध्यक्ष का बयान। कहा, संस्कृत पढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्लोक और मंत्र पढ़ाने जाने पर आपत्ति जरूर है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने लट्ठा पूजन किया। मेहंदी लगाने वाले लोगों के आधार कार्ड किए चेक। करवा चौथ को लेकर बढ़ाई गई सख्ती। तुर्की में पूर्व सैनिक ने रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। परिजनों के मुताबिक डिप्रेशन में चल रहे थे पूर्व सैनिक। फोरेंसिक की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। यूपी के मथुरा में पुलिस ने तेल चोरी के आरोप में एक को किया गिरफ्तार। पाइपलाइन में सेंध लगाकर की थी चोरी। मुठभेड़ के दौरान हुई अरेस्टिंग। यूपी के गाजियाबाद में 3 बाइक सवार बदमाशों ने चुराई बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के महोबा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में फल व्यापारी को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूटा। बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई। 4 बेकरियों पर छापा मारकर सैंपल किया गया जब्त। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 54 लाख की लूट मामले को सुलझाया। आरोपी अभिनव को किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए नकदी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़। इनामी गौकशा शाहबाज और फरमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा। 95,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यूपी के बदायूं में चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर पीतल के घंटे की चोरी। प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर में हुई चोरी। यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी की कोशिश। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में टिम्बर व्यापारी मुकेश गोयल ने की खुदकुशी। लाइसेंस रिवॉल्वर से मारी गोली। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी की बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के जेवर और 60,000 नकद किए बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 गोकश गिरफ्तार। गोवंश भी बरामद। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया मामला। यूपी के कुशीनगर पुलिस ने 121 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सभी अपराधियों की कराई परेड। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का खुलासा। जिला पूर्ति अधिकारी ने छापा मारकर 50 सिलेंडर किए बरामद। यूपी के सोनभद्र में गोबांस के साथ एक युवक पकड़ा गया। आरोपी के पास से मिला गाय का मांस। यूपी बदायूं में 7 साल की बच्ची का शव मिले से मचा हड़कंप। दुष्कर्म के बाद हत्या का शक। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महाराजगंज में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंद घर में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में फांसी के फंदे से लटका मिला सिपाही का शव। मृतक का 6 महीने पहले ही हुआ था विवाह। हरियाणा के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। धमाके के बाद घर खंडहर में तब्दील। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत। यूपी के मथुरा में बस और टेम्पो की भिड़ंत। हादसे में टेम्पो चालक समेत 2 की मौत। बिहार के बांगा में तेज रफ्तार ट्रक कांवड़ियों के झुंड में घुसा। 5 कांवड़ियों के मौके पर हुई मौत। कई श्रद्धालु हुए घायल। बिहार के सीतामढ़ी में नदी में डूबने से एक मासूम की मौत। नदी में डूब रहे भाई को बचाने में हुई मौत। और अब बात यूपी की करेंगे। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस का डर क्या होता है, ये अपराधियों के चेहरे पर साफ दिख रहा है। और यही डर है, इसके चलते अपराधी या तो खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। अब यूपी में हर अपराधी का अंजाम एक ही है। रिपोर्ट देखिए। करोगे अब करोगे
यूपी में पुलिस का एक्शन, बदमाशों की बढ़ी टेंशन। करोगे कोकसी? कितनी करी थी घटनाएं? गौ तस्कर हो या बदमाश, पुलिस करेगी सबका हिसाब। यूपी में योगी सरकार का खौफ इस कदर है कि बदमाश पुलिस के एक्शन से थर थर कांप रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। गोली लगते ही अपराधी अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि माफ कर दो, अब अपराध नहीं करूंगा। अब करोगे? नहीं करना साहब। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां गौकश गोली लगते ही हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। यूपी में सीएम योगी की पुलिस को दी गई खुली छूट का ही नतीजा है कि बदमाश या तो खुद गले में तख्ती लगाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होकर सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई।